अपन अभी ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे अपने लोग स्कूटी नहीं मांगती है। Here's the gentleman. ये देखो नीचे क्रूज है भाई, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि लड़कियां ऐसे पांव नीचे लटकाए कैसे बैठ सकती है। थोड़ा सा और आगे चलते हुए जाऊंगी मैं अभी। हाँ देखो बुला तो है सामने से ही। अपन अभी ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे अपने लोग स्कूटी नहीं मांगती है। स्कूटी रेंटल है कितने है? कितना है? कितना दिन के लिए? 4-5 दिन के लिए तो चाहिए मेरे को। हाँ कितना है लेकिन? 500 नहीं नहीं कुछ कम है। 300 वाला है। 400 एक बार गाड़ी देख लो आप। कौन सा 400 वाला तो नीचे है, ज़्यादा दिन के लिए ले रही हूँ मैं, ऐसे मत करो। मैं आपको लास्ट रेट प्राइस बता दूँ 400। नहीं नहीं एक बार अरे मैं लास्ट टाइम 350 में लेके गई थी। गाड़ी तो देखो मेरा अरे आप मुझे वो दे दो अपना, क्या बोलते हैं 4G वाली दे दो चाहिए तो। कौन सी वाली बता रहे हो? येलो वाली चाहिए तो येलो वाली मिलेगा, रेड वाली चाहिए रेड वाली मिलेगा। अरे एक्चुअली क्या है ना, सुनो बात तो सुनो, बात तो सुनो, बोलो। मैं शायद दिन आगे और भी अपने बढ़ाऊंगी इसके लिए बोल लो, नहीं कुछ कम होगा तो बताओ ना। वही रेट बोला मैंने, 400 कहो ना कुछ प्लीज प्लीज मैडम। 350 होगा तो मेरे को बोलो। 400 दे दो। अरे मैं ज्यादा दिन के लिए हूँ ना आपसे, देखो 4-5 दिन तो मैं हूँ ही, हो सकता है मैं उसके आगे भी आगे लेके जाऊँ ना। देख लो बात करो, मैं आती हूँ थोड़ा पानी वानी पी के। 350 होता है तो बोलो मैं ले लेती हूँ। बोल तो 4-5 दिन तो मिनिमम मेरे को चाहिए ही भाई। 350 मेरा बजट है भाई, बात करो ना। देखो होता है आपके लिए अच्छा है, मेरे को दूसरी दुकान पे नहीं जाना पड़े। हाँ ना, मेरे को आगे पीछे होना पड़े ना आपको। 350 नहीं मांगता रे, वो तो उन्होंने बोला मेरे को, मेरे को ज्यादा दिन के लिए चाहिए ना। मैं कम से कम एक हफ्ते के लूंगी, 4-5 दिन तो मैं हूँ ही। रिटर्न कभी आपका? मैं बुक ही नहीं की अब तक रिटर्न। ये वाली फिलहाल गाड़ी है, क्या बोल रहे हो? 1850 हो रहा है, 1700 दे दो चलो 5 दिन का। एक मिनट, कितना बोल रहे हो? 1800? हाँ 1750 हो रहा है, 1800 दे दो चलो 350 से। तो मैं आगे दिन भी तो बढ़ाओगी, बोलो ना उनको ऐसे क्या कर रहे हैं। आपका ज़्यादा नहीं, 1800 ठीक है, ला दो लाइसेंस, लाइसेंस दे दो ठीक है। लोगा ये गाड़ी अपने को बहुत ही बढ़िया मिल गई है यहाँ पे, ठीक है। बस मसला इसके हेलमेट का है, हेलमेट अब तक आई नहीं है, जो मुझे दे देंगे भाई। शाम में कितने बजे तक मेरे को हेलमेट दोगे अंदाजा? 8 बजे? थोड़ा जल्दी करो ना, 7 बजे आप आ जाओ। इंडिकेटर सब चलते ना भाई इसके? इंडिकेटर चालू है गाड़ी? हाँ राइट का इंडिकेटर चलाओ ना, राइट का, राइट का। हाँ बस सही, ठीक है ठीक है। चलो भाई तो अपना मस्त इंडिकेटर वगैरह सब कुछ चल रहा है, गाड़ी अपनी बढ़िया है। बस अपने लोग को चाहिए अभी हेलमेट, फॉर्मेलिटी कह लेते हैं, फॉर्मेलिटी के अंदर अपने को देनी होगी इन्हें। अभी फिलहाल लाइसेंस दिखाना है और एक आधार कार्ड और आधार कार्ड। आधार कार्ड आप रख लोगे ना? हाँ। वो दे दोगे मुझे बाद में। तो इसके अंदर क्या देना होता है पैसे में आपको? फुल पेमेंट है, 1000 रुपये डिपॉजिट, वो रिफंडेबल अमाउंट है। जिस दिन गाड़ी रिटर्न करेंगे आप, 1000 रुपये आपको रिफंड मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो आप पूरा एडवांस ले ही रहे हो ना? फुल पेमेंट है। हाँ तो फुल पेमेंट तो ले ही रहे हो ना अभी? तो हेलमेट भी आपको 7 बजे दे रहा हूँ ना। पहले हेलमेट मुझे दे दो आप। नहीं ऐसा नहीं, मैं सर पेमेंट आपको हेलमेट दे रहा हूँ। नहीं पेमेंट अभी आप एडवांस ले लो पूरा। फुल पेमेंट लेता हूँ। हाँ। जब भी आप गाड़ी शाम को 7 बजे हाँ। ना तभी आप हेलमेट ले लो एक्सटेंड सीधा, वो हेलमेट काट के आपको ब्लॉक। हाँ वो तो ठीक है, फिर क्या है मैं बोलूँ, फिर डिपॉजिट आप मुझे बाद में लो 1000 रुपये। फुल पेमेंट ऐसा कुछ नहीं, आपको दे रहा हूँ ना गाड़ी 1 लाख पक्का भाई, आप जीवान है हम लोग का। चलो ठीक है। All right. So, मुझे वापस से एक्चुअली 7 बजे के आसपास मुझे वापस से पंजिम के अंदर जहाँ से मैंने बाइक रेंट की है ना, मुझे वहीं पे जाना है। बिकॉज हेलमेट जो है वो मुझे मिला नहीं, तो मैं कैमरा उसको अटैच नहीं कर सकती हूँ। बट भाई गजब गजब मुझे बाइक मिली है। सो यहाँ मैं आई हूँ एक फ्रेंड से मिलने के लिए, जो कि मुझे पुणे के अंदर मिले थे, अगर आपने पुणे वाला ब्लॉग मेरा देखा होगा। रेस्टोरेंट कहाँ से जाना है? स्ट्रेट, थैंक यू। This is a nice place. Here's the gentleman. Hello. Yes, yes. Hi. How are you? So good. I'm so sorry. Really can't believe this meeting again on the same day. I know. You made this thing happen. Yes, it was my son's desire to meet you. Thank you. And look, I'm here. This is the restaurant? Yeah. Okay. Yes, yes. I'll just keep my bags first. All right. No problem. This is nice actually. Okay, so this is poolside area. So अंदर AC का जो है वो बंद हो चुका है,
सो हम लोग यहाँ बैठने वाले हैं। नहीं पोर्चुगीज डिश सया दोया। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट। आई थिंक इसके ऊपर कुछ बिस्किट वगैरह डाला हुआ है एंड इसके नीचे ऐसे लेयर्स बनी हुई है। सो हम नीचे तक ऐसे जाएंगे। ओ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, अच्छा काफ़ी मलाई वाला है ये। नाइस नाइस। एक्चुअली गुड। ये आपको जो थिक क्रीम होती है ना, आपको उसका बिल्कुल फ्लेवर देगा एंड साथ में बिस्किट्स का है। मतलब जिस तरह के बिस्किट हैदराबाद के अंदर मैंने खाए थे ना, कौन से थे वो, उस्मानिया बिस्किट, ऐसा लगा उस्मानिया बिस्किट को किसने इसमें क्रंची के ऊपर डाल दिया है। सी दिस, ये प्रॉपर मुझे उस्मानिया बिस्किट वाला फ्लेवर दे रहा है। ऑलराइट, सो भाई अभी ना मेरे पास एक्चुअली फुल हेलमेट नहीं थी, तो अभी जस्ट इन्होंने मुझे फुल वाली हेलमेट ला के दी है। अंधेरा काफ़ी हो गया है, आई एम नॉट श्योर कि आप कितना अच्छी तरह से देख सकते हो, बट हाँ ये वाली है। अब इसको मैं अपना कैमरा फिट कर लूँगी एंड देन आपको दिखाने वाली हूँ पंजिम से लेके। आई थिंक ये मैं जाऊँगी मैंडोरम, जो आज का स्टे है वो मैंडोरम में है एंड उसके बाद वाला जो स्टे है वो होने वाला है मेरा मोयजिम में। कैसे कैसे लोग है भाई। भाई तो मैं आपको सबसे पहले ये वाली एक चीज़ बताऊँ, जब मेरे को बाइक मिली है ना भैया, गजब बाइक है, गजब बाइक, मेरे को एकदम ही ज्यादा, बोले तो एकदम ही ज्यादा मजा ही आ गया। मैं यहीं से तो आई थी भाई। एक तो गोवा के अंदर ना गोल 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 बहुत ज्यादा घुमाता है गूगल मैप्स। जहाँ से मैंने अपनी बाइक उठाई है वहाँ से है बस एक घंटे का रास्ता, विच इज़ अप्रॉक्स का एग्जैक्टली 30 किलोमीटर्स है। सो भाई ये है गोवा की सड़कें, अगर आप कभी भी गोवा नहीं आए हो एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि भाई गोवा के अंदर ऐसा है क्या एंड मतलब क्या डिफरेंस है गोवा बीचेस के अंदर कंपेयर टू अदर बीचेस, या लोग बस मतलब बोलते हैं ना एवं हवा बना रखा है कि एक्चुअली गोवा वॉन्टेड है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई गोवा में एक्चुअली है क्या। अब ये आप डिसाइड करोगे कि यहाँ आपको आना है या नहीं आना है, या अगर आप आके गए हो तो क्या आपने वही वाली साइड देखी है जो साइड मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड बाय द वे, अगर ये वीडियो को आप किसी पार्टी वगैरह के लिए देख रहे हो, आपको शायद कोई पार्टी प्लेसेस मिल जाएगी, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये देखो नीचे क्रूज है, मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक क्रूज के ऊपर भी जाके आऊँ, बिकॉज मैं गोवा पहले भी 2 मरतबा आ चुकी हूँ बट मैं कभी क्रूज के ऊपर गई नहीं हूँ। सो आई विल ट्राई कि मैं इस मरतबा कम से कम क्रूज के ऊपर जाके आऊँ एंड आपको भी दिखाऊँ कि कैसा है मेरा एक्सपीरियंस। भाई अभी अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं वहाँ से टैक्सी वगैरह कुछ लेती ना तो मुझे पड़ जाता 1,500 रुपया देना, तो 1,500 रुपया देने का मुझे कोई सेंस लगता नहीं था। एंड अगर अपनी खुद की बाइक है ना, तो जैसे सपोजिंगली मुझे अभी एक रेस्टोरेंट में बीच में जाना था तो मैं रेस्टोरेंट होके आ गई, अब मुझे बीच में कहीं पर भी छोटे के अंदर भी मुझे लगवाना है ना गाड़ी, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पे टैक्सीज के भरोसे बैठोगे या ऑटो रिक्शा के भरोसे, तो छोटे छोटे रस्ते का भी ना 200-300 रुपया एम ही चार्ज कर लेते हैं। इस चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो मैं मतलब क्या बताऊँ यार, अपना मुंबई सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आई नो काफ़ी लोग ले आए मुंबई की है इसीलिए, नहीं 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 भाई, मैं बाकी सिटीज़ जाके देख चुकी हूँ एंड जो मुंबई है ना उसका ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ के जो ऑटो वाले हैं भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा गजब है। चलो मैं थोड़ा ट्रैफिक से निकल जाऊँ, बाद में आपको आगे का बताती हूँ। भाई साहब ट्रैफिक देखो कहाँ तक गया हुआ है आगे, आई डोंट नो आपको कैमरे के अंदर कितना ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे ना बहुत ही गंदी तरह से लोग गाड़ी चलाते हैं, मैं तो बहुत ही प्यारी बच्ची हूँ, मैं अच्छे से गाड़ी चला रही हूँ, मतलब कम से कम 51 मिनट्स मैं इतना चला चुकी हूँ, 51 मिनट्स और दिखा रहा है, मतलब फुल ही येलो हुआ है, थैंकफुली मूविंग ट्रैफिक है। मतलब ये जो पंजी है ना, ये प्रॉपर ही गोवा का ये प्रॉपर सिटी है, जैसे मुंबई दिल्ली ये सब जगह आप देखते हो ना, तो यहाँ ट्रैफिक भी वही फट्टे है। एक मरतबा मैं पहुँच जाऊँ नॉर्थ, फिर मैं आपको कुछ देखने लायक चीज़ें बता सकती हूँ। ओके 43 मिनट्स मोर टू गो। जैसे जैसे मैं नज़दीक आते जा रही हूँ ना, ऐसे ऐसे मेरी खुशी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं मस्त जाके अभी के अभी सोने वाली हूँ। आई नो बहुत सारे लोगों के लिए रात के अंदर दिन होता है गोवा में, बट भाई मैं मस्त सो जाती हूँ 9-10 बजे में एंड देन सुबह, क्योंकि मुझे जल्दी उठ के काम भी करना है, कल मंडे है,
सो सुबह काम करेंगे 2-3 बजे तक, देन लंच करने के लिए कहीं बाहर चले जाएंगे। तो सुबह अगर मैं कहीं ब्रेकफास्ट के लिए गई बाहर तो आपको बताओगे, वरना हॉस्टल के अंदर क्या ब्रेकफास्ट मिलता है वो आपको बताओगे, जो भी होगा आपको तो पता चली जाएगा। सबसे पहले हॉस्टल कैसा है वो आपको बताती हूँ। फिर से फंस गई ट्रैफिक में, ऐसा मुझे लगता है ऐसी कैमरा मैं ऑन करती हूँ ना वैसे ही ट्रैफिक चालू हो जाता है कहीं ना कहीं। अल्लाह भाई, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि लड़कियाँ ऐसे पाँव नीचे लटका कैसे बैठ सकती है। मतलब मैं सच्ची बताऊँ, मैं ऐसे अगर बैठूँ, ऐसे बंदी सामने बैठी है, मैं अब तक तो गिर भी जाऊँ नीचे। फिर मसला है ना गाड़ी चलाने में इस बैग को लेके आ रहा है, क्योंकि बैग देखो बार बार ऐसे नीचे गिर रही है ये। अल्लाह ऊपर आ जा, क्या ही दिक्कत है इसे जीवन के अंदर। एक मरतबा मैंने बैग को हॉस्टल के ऊपर ड्रॉप कर दिया ना, फिर मुझे गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह सभी 25 मिनट और बाकी है, पहुँच जाएंगे अपने हॉस्टल में। हाँ 8 में 10 का मैं बस अभी तो ठीक है। एंड मतलब इतनी ज़्यादा लाइट नहीं है रास्ते के ऊपर कि मुझे एकदम ठीक से इनका स्पीड ब्रेकर वगैरह सब कुछ दिखाई दे, बट इसके बावजूद भी रास्ता इतने अच्छी तरह से इन लोगों ने बनाया हुआ है कि गाड़ी के अंदर कोई बम्प्स नहीं, कोई ज़्यादा जम्प्स नहीं। मतलब यहाँ पे गाड़ी चलाने में एक्चुअली आपको मज़ा आएगा। एंड जहाँ तक सेफ्टी का सवाल है, तो अगर आप यहाँ रात के अंदर अकेले भी कहीं चले जाओ तो यहाँ पे कोई ऐसे दिक्कत की बात होती नहीं है। बट इसके बावजूद मैं आपसे, अगर आप एक सोलो फीमेल ट्रैवलर हो, तो मैं आपसे ये चीज़ कहूँगी कि कोशिश करो कि 12-1 बजे के बाद, क्योंकि क्या है ना शॉप्स रेस्टोरेंट सभी कुछ बंद हो जाते हैं। तो इसके बाद अगर आप कहीं गए हो तो आप शायद क्लब से ही वापस आओगे, और अगर आप सिर्फ क्लब से वापस आ रहे हो तो आपको ऑब्वियसली वही वाला खाली क्राउड मिलने वाला है जो ये क्लब से वापस आएगा। सो मोस्टली यू विल फाइंड ड्रंक पीपल। बट अगर आपको मतलब जैसे कि मैं खुद प्रेफर करती हूँ 10-11 बजे तक वापस आ जाओ अपने हॉस्टल पे, तो वो ठीक है। आई मीन वैसे के अंदर अकेले जाके कोई ऐसे कोई इशू होने नहीं वाला है। एंड अगर आपको कुछ लेट नाइट होगा, आपको अगर ऐसे है कि नहीं मुझे जागना है सुबह तक पाची करनी है, तो ठीक है, जो अपना खुद का हॉस्टल आप चूज़ करोगे वो थोड़ा सा पार्टी वाला हॉस्टल चूज़ कर लेना। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं कोई ऐसा वाला हॉस्टल चूज़ करूँ जहाँ पे लाउड म्यूज़िक थोड़ा सा कम ही हो। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो जहाँ पे नहीं भाई म्यूज़िक वगैरह सब एकदम मस्त चले, सुबह तक चले, एकदम पार्टी हो। इस वक्त जैसे कि मैं जो हॉस्टल के अंदर जाने वाली हूँ ना, उसका नाम है मुस्ताश। अब मुस्ताश के ही यहाँ पे 2 हॉस्टल्स है, एक है पार्टी हॉस्टल और एक है वर्क को-वर्किंग हॉस्टल। तो मैं को-वर्किंग के अंदर जा रही हूँ, पार्टी वाले हॉस्टल के अंदर मैं नहीं जाऊँ। वो पार्टी तो नाम ने लिखा है लग्जरी या ऐसा कुछ और नाम लिखा होगा उसका, बट जो वर्किंग वाला है ना इनका, जहाँ पे लोग यूजुअली रिमोट वर्क करने के लिए आते हैं, वो अलग ही है। सो मैंने वही वाला चूज़ किया है बिकॉज मुझे पता है कि सुबह के वक्त पे ऑब्वियसली जब लोग काम वाम कर रहे होंगे तो कोई भी म्यूज़िक तो नहीं चलाएगा। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा वाला है उसके अंदर ऑब्वियसली सुबह के अंदर भी कोई म्यूज़िक बजाएगा तो कौन रोकने वाला है उन्हें। सो मतलब ऐसा नहीं कि आप गोवा आए हो तो सभी चीज़ें आपको पार्टी प्लेसेस से मिलेगी। आपको सुकून और शांति के लिए भी अगर गोवा आना है तो आपको यहाँ पे वैसी वाली जगह भी मिल जाएगी। अब देखो भैया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, खुद ही सामने से आ गया बंदा। पर देख रहे हो अपनी बहन का टशन, बहन ने गाड़ी निकाल ही ली, उन्होंने रोका तो निकाली, वो अलग बात है। भाई बाइक वालों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम है ना
गाय वालों के हेमो खम के ऊपर जीते हैं इस हफ्ते के ऊपर। हमें ऐसा लगता है हम तो भैया कटवा टमा के निकल जाते हैं, हाँ लेकिन अगर वो चाहे तो आप ना निकल सको। ओके फैक्ट इज फैक्ट। कितना टाइम बाकी है? 20 मिनट बाकी है भैया, चलो फटाफट पहुँचेंगे हॉस्टल। ऐसे क्यों लग रहा है बहुत जल्दी मैंने टाइफ कर दी यहाँ के रोड्स की? ये भाई ये इतनी इतनी शांति होनी चाहिए गाड़ी चलाते वक्त, बस असली मज़ा इसी में है। क्या बात क्या बात, हाय 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 हाय, ठंडी ठंडी हवा लगी, ठंडी ठंडी हवा। वैसे मैं जानबूझ के पीछे गाड़ी को आगे जाने नहीं दे रही क्योंकि उसकी लाइट ज्यादा बेटर है। वो आगे चला गया तो मुझे कैसे कुछ भी दिखाई देगा। हाय टैक्सी वाले अंकल चले गए, मेरी हेडलाइट थे आप जीवन की। चलो कोई बात नहीं, और भी हेडलाइट्स आ जाएगी जीवन में। कितना मिनट है? 6 मिनट है, 6 मिनट। देखो मैंने बोला पीछे और तो हेडलाइट आ गई है। बस भाई जीवन इसी का नाम है, डोंट रिलाई ऑन एनीवन, गोल्डन बर्ड्स। बस जल्दी से जाके अपनी मुझे बैग रख देनी है, चेंज वेंज करना है, फिर कहीं डिनर विनर करने को जाऊंगी। कोशिश करती हूँ कोई फूड ट्रक नज़दीक हो तो आपको दिखाऊँ, अगर ना हो तो किसी रेस्टोरेंट वगैरह में बैठ के खाना वाना खा के मस्त चद्दर तान के सो जाऊँगी। सोचो लोग गोवा के अंदर आते ताकि वो रात के अंदर जाग सके, मैं आई हूँ कि मैं मस्त सो जाऊँ। वैसे एक्चुअली ना कल भी मैंने मुंबई से नवी मुंबई के बीच में कल मैंने 120 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, ठीक है, अप एंड डाउन मैंने किया है। उसके बाद मैंने आज ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, 30 किलोमीटर ये जब मैं कैमरे के ऊपर हूँ, एंड ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर जाना 10 आना, हाँ तो 20 किलोमीटर मैंने और गाड़ी चला दी है। सो 50 किलोमीटर आज भी हो गया, तो हाथ की पैर की, एंड कल छोटा सा एक एक्सीडेंट भी हो गया था, मतलब खुद ही स्लिप हो गई थी पत्थर के ऊपर से मैं। मतलब बोलते ना आप हाईवे के ऊपर चला लो, कहीं पर भी गाड़ी वाड़ी कुछ भी कर लो, आपको कुछ भी नहीं होगा, बट द मोमेंट कोई छोटा सा पत्थर आ गया ना आप उसके ऊपर गिर जाओगे। बस वही हुआ मेरे साथ कल। भाई देख लो ये जो रास्ता आपको रात के वक्त पे ऐसा दिख रहा है ना, मैं जब सुबह सुबह यहाँ गाड़ी चलाऊंगी ना यही रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा दिखेगा। ओई माँ क्या ही गाड़ी हिल रही है, आय हाय मैम आप ही नीचे चला गया, उठा लो वापस से। हाँ बेटा बताओ कहाँ जाना है? आगे से लेफ्ट, चलो ठीक है। वैसे हम आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, क्यों क्यों आँखों के अंदर लाइट मारना चाहते हो मुझे? मैं एक अच्छी सभ्य बच्ची, वाह 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 राइम हो गया। मेरी बैग, अबे बैग गिरे ना गिरे, ये सबसे पहले गिरा है। टेक द नेक्स्ट लेफ्ट बुक शॉट, ओके यही है आई गेस। ओके ओके दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट, यस आई नीड टू चेक वेयर इज द पार्किंग। दिस मुस्ताश, ओके पार्किंग इज इनसाइड, ओके चलो भाई पार्किंग इसी कुछ इस तरह से अंदर है भाई। ओए चलो हम बैग तो गए नीचे, वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच भाई। मेरी बैग ही एक्चुअली नीचे गई गई थी, थैंकफुली इन्होंने मुझे उठा के दे दी। चलो भाई सबसे पहले मैं अपना चेक इन कर लूँ एंड उसके बाद आपको हॉस्टल वगैरह बताती हूँ।